ये बद्रीनाथ मंदिर की मार्केट बहुत ही रोशन हो रखी है। ओ ये सरस्वती नदी, कल हम इसके उद्गम स्थान देवताल में जाएंगे। फिलहाल आप फ्लो देखिए, खतरनाक लेवल का फ्लो। कल आई गेस ट्रिप का आखिरी दिन होगा मेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज सरप्राइज, एक घंटे मिलेगा, अभी टाइम 10 बज चुके हैं। 11 बजे विल गेट टू नो कि मैं परमिशन आज की मिलती है कल की मिलती है। परमिशन मिल जाएगी ये कन्फर्म है। ग्रेट स्टार्ट टू द डे, कोशिश है कि आज की मिल जाए। सो ये मेन रोड है गाजियाबाद मानावाली, दिस इज द मेन रोड। अपनी बाइक यहाँ पार्क्ड है। तो फिलहाल यहाँ दो टेंट्स हैं, आप खुद का टेंट भी पिकअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, पहले नाश्ता करने जाएंगे, फिर विल हेड टुवर्ड्स माना। तो माना विलेज जाएंगे, तब तक अपने को 11 बज जाएंगे और परमिशन का पता चल जाएगा। परमिशन मिलती है तो विल हेड टुवर्ड्स माना पास। 50 किलोमीटर है चेक पॉइंट से, और लोकल से बात करिए तो पता ही चला कि 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता अच्छा है, आखिरी का 20-25 किलोमीटर खराब है। और सामने पेट्रोल पम्प भी है, जोशीमठ के बाद पेट्रोल पंप बद्रीनाथ के अंदर भी है, और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वोडाफोन भी चल रहा है, एयरटेल भी चल रहा है, जियो, सब नेटवर्क वर्किंग है। और निखिल सुबह सुबह गया था दर्शन करने, निखिल 6:30 बजे लाइन में लगा था, मेरी तो हिम्मत थी सुबह उठने की, 9:30 बजे दर्शन में 3 घंटे की। तो फिलहाल आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, इस वजह से काफ़ी भीड़ है। यूजुअली सितंबर अक्टूबर इतना रश नहीं रहता, तो मैं चला कोशिश करेंगे दोपहर को या फिर शाम को या फिर कल सुबह दर्शन करके आने की। तो आपको मैं रूम टूर, अपना टेंट टूर दे देता हूँ। तो पूरा हमने भी सामान फैला रखा है, एक टेबल है, दो चेयर बाहर हैं, एक छोटा बेड, एक डबल बेड, और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा है। पानी का फ्लो काफ़ी स्लो है, बस एक ही ड्रॉबैक है, अदरवाइज काफ़ी स्पेशियस है। तो वैसे भी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई कोल्ड स्टार्ट के लिए मैंने रख दी है, हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन की कमी, तो थोड़ा कम्बशन लेने में दिक्कत हो रहा है। तो फिलहाल मंदिर के कपाट बंद है, 3 बजे कपाट खुलेंगे। तो अभी हमने बस साकेत रेस्टोरेंट पे ब्रंच किया है। प्लान ऐसा है कि परमिशन माना पास की अपने को कल की मिलेगी, आज ही नहीं मिल पाई, एसटी मैडम अवेलेबल नहीं थी। तो शेड्यूल ऐसा है कि पहले जाएंगे माना विलेज, फिर ट्रैक, फिर शाम के टाइम दर्शन करेंगे। ऑल सेट, अभी हम राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर्स अवॉइड करेंगे, माना गांव 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ फिर हम वसुधरा ट्रैक करेंगे, फिर वापस आके यहाँ नीलकंठ ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक के लिए यह रेडी, तो चेस्टी लगा दी हमने, तो कुछ शॉट वो है, थोड़ा दिक्कत आ सकता है। सी यू ऑन दिस चेस्टी शॉट। तो अभी हम बद्रीनाथ पार कर रहे हैं, तो जय बद्री विशाल। तो दोस्तों ये अपनी अलकनंदा नदी जा रही है, और सामने वो माना गांव, इंडिया का पहला गांव, काफी बड़ा गांव है ये। अलकनंदा का नेक्स्ट लेवल का क्रेजी फ्लोर, विंड ब्लास्ट यहाँ अलग लेवल का है, नेक्स्ट लेवल विंड ब्लास्ट। वो देखिए, कल हम उस रोड पे होंगे, यहाँ से होते हुए माना पास कहीं इस पहाड़ के पीछे होगा, कल बादलों में होंगे हम, पर मौसम बदल गया तो मजा आने वाला है। देखिए, कल हम उस रोड पे होंगे, यहाँ से होते हुए माना पास कहीं इस पहाड़ के पीछे होगा, कल बादलों में होंगे हम। तो तकरीबन आधी किलोमीटर दूर है वहाँ, उधर मेला है, फिर आपको दिखाएंगे माना गांव। हमें
लोकल गाइड लेके हैं, तो भैया बताइए आज क्या ऑस्पिशियस डे आज का? आज भादवे की द्वादशी है और आज के दिन भगवान बद्री विशाल अपनी माता जी से मिलने के लिए आते हैं माता जी के मंदिर में डोली में बैठ के, और मिलने के बाद फिर वापस से डोली लेके भगवान बद्री विशाल अपने बद्रीनाथ टेम्पल में जाके स्थापित। अभी वापसी की तैयारी कर रहे हैं बस, ITBP के पूरे स्काउट्स बैंड तैयार है। जय जय जय। अच्छा तो बैठने सुनने रहेंगे ले। आस्था की जगह है, मंदिर है, बट यार ये चीज हमें क्या बताती है? इंसान है हम, जानवर है यार, इतनी गंदगी फैला देते हैं हम, तो ये सही चीज नहीं है, तो इसका प्लीज ध्यान रखें। जो भी खाओ जो भी पियो साथ में चले जाओ, डस्टबिन में डाल दो। माता जी के मंदिर के साथ में ही हनुमान जी का मंदिर है, नागदेव हनुमान गिरी। बाकी वो हमारी वसुंधरा काफी सही फ्लो आ रहा है। एक और चीज, कल आई गेस ट्रिप का आखिरी दिन होगा मेरा, डूंगनाथ और जो कार्तिक स्वामी था दर्शन, ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि होम सिकनेस हो रही है, रूही की काफ़ी याद आ रही, तो इस चक्कर में ट्रिप को कट शॉर्ट करके, तो ये अपडेट व्लॉग में आएगी या नहीं आएगी आई एम नॉट श्योर कि ये होगा या नहीं होगा। चांसेस हाई है कि माना विलेज आप इस व्लॉग में देख लोगे। अगला व्लॉग आएगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर माना पास, के बाद वे बैक टू होम। तो ये माना जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। यूजली क्या करते हैं बिंग अ व्लॉगर दैट आई रियलाइज क्या, मैं बस शूट फोटोज वीडियो शूट, एक रेस एक भागते रहते हैं इस चीज़ को लेके। अब यहाँ भी मैं बस बद्रीनाथ भगवान की डोली गई तो चलो सब साथ साथ चले गए, अभी साथ जा रहा था लेकिन फिर मैंने रोका अपने आप को और आके बैठा मंदिर पे 10-15 मिनट आधा घंटा, आप बैठिए उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने वही किया, एब्जॉर्ब किया और उसके बाद एक अलग ही लेवल की कामनेस आई, एक अलग ही लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अलग ही लेवल का ठहराव आपको मिलता है, सुकून बड़ा मिलता है आपको। तो ऐसी जगहों पे भाग दौड़ मत कीजिए, टाइम निकाल के आजिए, आइए 5 से 10 मिनट आँख बंद करके ट्राई टू फील, इसको आप मेडिटेट बोल लीजिए, टू एब्जॉर्ब दी पॉजिटिव एनर्जी बोल लीजिए, कुछ भी कहिए पर ऐसा करिए। मैंने किया तो अच्छा लगा, इसे मैंने व्लॉग में शेयर किया आपके साथ। तो बस वही चलते हैं माना गांव में, माना गांव दिखाते हैं आपको। बाकी अपने वो SDM साहिबा मिल गई थी जोशी मठ की, वो इधर ही आई थी पूजा के अंदर, तो छुट्टी पे थी वो, उनसे बात की तो शी वाज लाइक कि ठीक है कल आपको परमिशन दे देंगे, एप्लीकेशन दे रखी है तो अप्रूव हो जाएगी, कल होपफुली हम उधर पहाड़ों के ऊपर होंगे माना पास। हम पहुंच गए माना विलेज में, हमने कुछ ऐसे पार्क करी है और यहाँ सन सेट हो गया, पहाड़ी के पीछे जा चुका है। उस मंदिर में हम गए थे अभी, वहीं से आए हम, और वो होगी वसुंधरा। दो 2016 के बाद 6 साल के अंदर जो चीज सबसे हाईलाइटिंग है वह यहाँ की ब्यूटी और बढ़ेगी, एनहेंस हो गई है, काफी सारी पेंटिंग्स वॉल आर्ट भर भर के काफी अच्छी तरीके से बना रखी है। चौक से लेफ्ट साइड का जाएगा भीमपुल, जो गणेश गुफा है व्यास गुफा है वो जाएगी राइट साइड, तो पहले वी आर गोइंग टुवर्ड्स भीमपुल। ये सरस्वती नदी कलम इसके उद्गम स्थान देवताल पे जाएंगे, फिलहाल आप फ्लो देखिए खतरनाक लेवल का फ्लो। तो
माँ सरस्वती का मंदिर भी बन रहा है, पहले यहाँ दुकान हुआ करती और हम वहाँ जाके हमने फोटोज क्लिक कर रखी हैं जब 2016 के अंदर आए थे। दिस इज द भीम पुल, जब पांडव स्वर्ग रोहिणी की यात्रा कर रहे थे उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी पुल की, तो भीम जी ने अपना गदा कैसे ऊपर से कहीं से पहाड़ तोड़ के इंस्टेंट पुल बना दिया। तो माँ सरस्वती नदी का फ्लो देखिए आप, और आगे जाके वो वसुधरा से लिंक हो जाती है। पानी हल्का सा ब्राउन है, इसका मतलब ऊपर हल्की बारिश हो रही है और मौसम ऊपर बदल चुका है। उम्मीद करते हैं कल मौसम ठीक रहे, इजीली जा सके। आपको लग नहीं था दो आँख नाक और ये मुंह हो गया, ऊपर ये माथा हो गया। गोविंद भाई मंदिर के लिए नकाशी करते हुए, तेज कुमार भाई बड़े तेजी से नकाशी करते हुए, ये कमल का फूल बना रहे हो। मंदिर का काम पूरा जोर शोर से चल रहा है और ये रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी को और वसुधरा को। वसुधरा 5 किलोमीटर, स्वर्गारोहिणी का ट्रैक 18-20 किलोमीटर के आसपास है। गाइड करके जाओ तो बेटर रहेगा। तो ये हिंदुस्तान की पहली दुकान है, अंतिम नहीं है, पहली दुकान है। जीवन गोरा कागज गोरा ही रह गया। इसके लिए डिसलाइक मत मारना वीडियो में। दोस्तों देखिए गणपति बप्पा मोरिया, ये 100 रुपए का है बस, और छोटे छोटे मोजे। तो हमने यहाँ काफी शॉपिंग कर ली, चिराग ने पूरा बैग भर लिया अपना और मैंने ये खजाना भर लिया, तो ये करने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए मौसम बिगड़ गया है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे माना पास 3-4 बजे तक वापसी आ जाए। बादल हो गए, जबरदस्त माहौल बन गया माहौल। हिमपुल से हम होके आए उस साइड से, अब जाएंगे हम इस साइड गणेश गुफा और व्यास गुफा जहाँ महाभारत लिखी गई थी। तो ये है गणेश गुफा, गणपति बप्पा गणेश गुफा, यहीं बैठ के गणेश जी ने माँ भारत की रचना करी थी व्यास जी के साथ, तो उस माथा टेक तो निकलते हैं। मोबाइल तो बंद है। व्यास गुफा अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दिस केव इज 5,330 ईयर्स ओल्ड, की वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठ के वेद को 4 भागों में डिवाइड किया था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस होली केव। अंदर जो मूर्ति है टचवुड बड़ी सही मूर्ति है, बहुत ही। तो आप भी आगे यहाँ देखिए, टाइम निकाल के क्योंकि यहाँ बैठ के आप बढ़िया टाइमलेस भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको दिखना है पेजेस के शेप के हैं ये, तो एक्चुअली ये पेजेस ही हैं। व्यास जी जब बैठे थे लिखने के लिए, चारों वेदों की रचना करी, तो जो भी एक्सेस कागज थे उन्होंने रख दिए थे और आज इतने कागज हैं वो कि वो पूरी शिला है, इसलिए ये थोड़ा पेजेस की शेप के हैं। तो हुआ क्या था, जब गणेश जी लिखने बैठे थे तो उनकी कलम टूट गई थी, उन्होंने अपना दांत तोड़ के उससे महाभारत की रचना करी, इसलिए उनका नाम एकदम टूट पड़ा। और ये किस्सा भी उसे गणेश गुफा में हुआ था। तो ब्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।